दादाजी बहुत बुरा हो गया। दादाजी क्या बुरा हो गया बेटा? आज 1 घंटे बाद हिस्ट्री का एग्जाम है, मुझे अभी नवीन ने बताया। अरे तो इसमें बुरा क्या हो गया बेटा? दादाजी मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की एग्जाम की। क्या? हाँ दादाजी मुझे एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम 1 दिन तो चाहिए ही होता है। लेकिन बेटा तू 1 दिन में ही पूरा सब्जेक्ट कैसे याद कर लेगा? दादाजी मुझे 1 दिन याद करने के लिए नहीं, नकल बनाने के लिए चाहिए होता है। बताओ दादाजी अब मैं क्या करूं? बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तेरी ही गलती है। तुझे एग्जाम की डेट पहले से ही पता होनी चाहिए थी। दादाजी मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? जब नवीन के दादाजी आपको चिढ़ाएंगे कि मेरा पोता तो पास हो गया, आपका नहीं हुआ, तब आपको अच्छा लगेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन इसमें बेटा मैं कर भी क्या सकता हूँ। दादाजी आप एक तांत्रिक कवि तो जानते हो, हाँ जानता तो हूँ, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सके। अरे लेकिन बेटा वो तो फोन ही नहीं रखता और मेरे को पता भी नहीं है वो रहता कहाँ है। अरे बेटा लाइट कैसे चली गई? पता नहीं दादाजी। अरे डर क्यों रहे हो बच्चा, मैं हूं। दादाजी शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या? अरे इसका मतलब है आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी हम आपको याद कर रहे थे। अच्छा तो बताओ बच्चा किस लिए याद करा? वो तांत्रिक बाबा एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। छोटी मोटी प्रॉब्लम का मेरे पास कोई हल नहीं है बच्चा। छोटी नहीं तांत्रिक बाबा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पता था तुमको मेरी याद आई है तो कोई बड़ी ही प्रॉब्लम होगी। बताओ बच्चा। आज 1 घंटे बाद मेरा एग्जाम है और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। होता तो है लेकिन ये समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? एक उपाय है। ये क्या है? यही तो तुम्हारी समस्या का हल है। इसमें है एक किताब जो तुम्हारी समस्या को हल कर देगी। क्या इस किताब में ऐसा क्या खास है जो आप नहीं कर सके और ये कर देगी? बच्चा ये कोई मामूली किताब नहीं है, यह अद्भुत अविश्वसनीय ऐसा नहीं है, काले जादू की किताब। तुम्हारी ये समस्या तो कुछ भी नहीं है इस किताब के आगे। इसने मेरी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करा है। अच्छा कैसे? मुझे जब भी कोई समस्या होती है मैं इसमें लिखे मंत्र पढ़ता हूँ और मेरी समस्या चुटकियों में हल हो जाती है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से पढ़ो कोई मंत्र। बच्चा इसमें से मंत्र तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लाओ फिर दो। लेकिन इसको केवल इसका मालिक ही पढ़ सकता है। फिर मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? अगर आप दोनों चाहो तो मैं आप दोनों को इसका मालिक बना सकता हूँ। क्या बात है, हम तैयार हैं मालिक बनने के लिए। लेकिन बेटा काला जादू खतरनाक होता है। अरे दादाजी कुछ नहीं होता, आप बहुत डरते हो। हम तैयार हैं। ये हुई ना बात, अब मैं जो बोलूंगा वो तुझे दोहराना होगा। ठीक है बोल। मैं और मेरे दादाजी, मैं और मेरे दादाजी अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होशो हवास में इस काले जादू की किताब को, इस काले जादू की किताब को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। थैंक यू। आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। बच्चा मैं जितनी भी बार तुम्हारा थैंक यू करूं कम है। क्यों? वो तुम दोनों को जल्द ही पता लग जाएगा। तो अब चलता हूं मैं, फिर मिलेंगे।
हाँ ठीक है, हाँ फिर मिलेंगे अगर जिंदा बचे तो। ये कहाँ गए? बेटा मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कौन सी दाल में? पकाने के लिए रखी है क्या आपने? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है लगता है वो हमें उल्लू बना के चला गया। अरे नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा मेरी बात माने तो इस बुक को फेंक दे। दादाजी आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। अगर कुछ बुरा हो गया तो? कुछ बुरा नहीं होगा। चल फिर ठीक है। और अगर कुछ बुरा होता भी है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी। चलो अब पढ़ता हूँ इसे। इस किताब का परिचय तथा नियम। जो भी इस किताब का मालिक होगा केवल वही इस किताब को इस्तेमाल कर सकता है। इस किताब में लिखे मंत्र आपको सब कुछ दे सकते हैं। क्या बात है, अरे ये तो बढ़िया है बेटा, आगे पढ़। आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं एग्जाम का कोई मंत्र ढूंढता हूँ। एग्जाम 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 के नाम से तो कोई मंत्र ही नहीं मिल रहा इसमें। परीक्षा के नाम से ढूंढ। अच्छा परीक्षा परीक्षा परीक्षा, हाँ ये रहा परीक्षा के मंत्र, पेज नंबर 13। ये रहा ऑटो आंसर पेन। पढ़ूं दादाजी? हाँ बेटा पढ़। पास होना है फेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं। जो मांगा है वो पाएगा, इसकी कीमत तू चुकाएगा। बेटा लगता है मंत्र काम कर गया। लेकिन दादाजी पेन तो मिला ही नहीं। तूने मंत्र तो सही से पढ़ा है ना? हाँ दादाजी सही पढ़ा है। एक मिनट, ये जेब में क्या है? ये क्या है? अरे ये तो पेन है। ये किताब तो सच में ही काम करती है दादाजी। हाँ बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या कहा था मैंने, अब बेफालतू में टेंशन लेते रहते हो। है कि नहीं ये किताब मस्त? नहीं बेटा मस्त नहीं, महा मस्त है। चल अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, तू आंसर लिखियो। ठीक है। अरे इतनी बढ़िया किताब पे लिख के किताब खराब करेगा? ये ले अखबार पे लिख। चलो पूछो। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था? लगता है दादाजी से इसका आंसर पता नहीं है, कोई और क्वेश्चन पूछो। ठीक है। और लिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया दादाजी। 15 अगस्त 1947। क्या बात है। चल अब मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछो। अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस कितना है? 384,400 किलोमीटर। सही है। इसका आंसर तो बेटा मुझे भी नहीं पता, अभी देखता हूँ। अरे बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया है। मजा आ गया। बेटा अब तो तू पास हो जाएगा। पास नहीं टॉप करूंगा। हाँ ये सही रहेगा, फिर मैं नवीन के दादा को चिढ़ाऊंगा। मेरे पोते ने तो टॉप करा है, तुम्हारे पोते ने नहीं करा क्या? हाँ लगता है खांसी हो गई है। अच्छा तो खांसी की दवाई पी ले। ब्ला 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 ब्ला। अरे क्या बोल रहा है? ब्ला 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 ब्ला। क्या तू बोल नहीं पा रहा? ब्ला ब्ला। कहीं इस किताब की वजह से तो नहीं हुआ? ब्ले ब्ले। इस किताब का परिचय और नियम पूरे पढ़। ब्ले ब्ले। ब्ले 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 ब्ले। ब्ले 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 ब्ले। ब्ले 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 ब्ले। क्या हुआ बेटा? ब्ले 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 ब्ले। क्या लिखा है मुझे दे। इस किताब से जो भी आपको मिलेगा उसकी आपको कीमत चुकानी होगी। मतलब इस पेन की कीमत तेरी आवाज है। ऐसा करते हैं
से जला देते हैं। ब्ले ब्ले। और पढ़ूं? ब्ले। इस किताब को फेंका या जलाया तो मौत निश्चित है। हर रोज एक मंत्र पढ़ना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे सर के दो टुकड़े हो जाएंगे। बेटा अब तू एग्जाम देने कैसे जाएगा? ब्ले ब्ले।